इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जब पहुंचे, उससे पहले उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं काल भैरव के दर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पूजा अर्चना की और फिर इस मंदिर की परिक्रमा की। काल भैरव मंदिर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिड़किया घाट की तरफ रवाना हो चुके हैं। वहां से उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना है। मंदिर में पूजा पाठ के बाद वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे, जो केवल 32 महीनों में बनकर तैयार हो गया। और अब खिड़किया घाट से ये लाइव तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे बहुत दुख होता है कि गंगा घाट से लेकर बाबा के दर्शन तक कितनी अड़चने आती है श्रद्धालुओं को। और अब आप देख रहे हैं भव्य दिव्य काशी का एक स्वरूप, जिसे आज के इस रूप में यदि आप देख पा रहे हैं तो आप इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के वजह से देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब आप काशी जब भी जाएंगे तो एक दिव्य काशी को देख पाएंगे। वो श्रद्धालु जो गंगा जल में स्नान करते हैं, जो मां गंगा में आचमन करते हैं और उसके बाद फिर मंदिर की तरफ जाना चाहते हैं, अब उन्हें किसी व्यवधान से दो चार नहीं होना पड़ेगा। हमारे सहयोगी रुचि कुमार लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि, जो कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, आज उस कल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं और एक तरीके का अब ये जो शंखनाद है वो इस माहौल को और खूबसूरत बना रहा है। रुचि जी, हाँ बिल्कुल, और शंखनाद आपको उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन कॉरिडोर अब आएंगी अगर आप और अपनी आंखों से इस कॉरिडोर को देखेंगी तो, और अगर आप पहले यहाँ पर आए हों जब आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गलियों से होके गुजरना पड़ता था, तो एकदम से आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा जो इतने कम समय में पूरा हो गया है। पूरा कॉरिडोर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और बड़ी बात यह है कि जो मंदिर का पुराना रूप था उसको उसी तरह से रखा गया है, उसको रेस्टोर किया गया है। जैसा मैंने बताया कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोना यहाँ दान किया था, शिखर पे वो सोना मढ़ा हुआ है, लेकिन समय के साथ वो काला पड़ गया था। अब उसे कोलकाता के कारीगर बुला के उसको चमकाया गया है। जो चांदी के द्वार चार दिशाओं में मंदिर के अंदर बने हैं वो चमक रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ गुजरात के कारीगरों ने चुनार का जो सैंडस्टोन होता है उसमें कारीगरी की है, तो वो जो कारीगरी है जो मंदिर के चारों तरफ गलियारा बनाया गया है जिसमें भक्त जो है परिक्रमा कर सकेंगे, वो जो नक्काशी है वो बिल्कुल वैसी है जैसी मंदिर में की गई है। मंदिर के जो चार गेट हैं उसी तरह से चारों दिशाओं पे गेट मंदिर परिसर में बनाए गए हैं। वो गेट बहुत खूबसूरत है, एक गेट यहाँ पर बाहर भी है इसी तरह का। ये गेट जो है टीकोट का है और ये गुजरात से बनकर आया है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसी तरह के गेट मंदिर परिसर में भी लगे हैं। एक पूर्वी गेट है जो ललिता घाट से, ललिता गेट से जब श्रद्धालु अंदर आएंगे तो उनको पूर्वी गेट से सामने मंदिर के दर्शन होंगे। उत्तरी गेट है, दक्षिणी गेट है, पश्चिमी गेट है। जो तस्वीरें इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, एक बार मैं चाहती हूँ वो भी दर्शकों को बताएं हम। देखिए, काशी का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो ये कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं और भक्तों को जो आसानी होगी, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज का, क्योंकि आप भी जानती हैं कि कितना बारीकी से वो ना सिर्फ अवलोकन करते हैं और वो यहाँ से सांसद हैं, तो इसलिए खुद एक एक डिटेल जानना चाहते हैं और डिटेल में जाकर ही काम करवाते हैं। और वही तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच में एक गजब का तारतम्य दिखाई देता है। रुचि,
जी हाँ बिल्कुल, और क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनना शुरू हुआ उसके बाद कोरोना आ गया, दो लहर आई, लॉकडाउन भी हुआ, काम बंद भी हुआ, उसके बाद इतने कम टाइम में 24 घंटे यहाँ पर काम होता रहा है मीनाक्षी, और तभी ये जो भव्य रूप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दिख रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट को लगातार मॉनिटर करते रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स उन्होंने ली हैं, और जिस तरह से यहाँ जो लोग बसे हुए थे 400 परिवार, उनको यहाँ से शिफ्ट करना था वो मुश्किल काम था, और क्योंकि मंदिर का मामला था तो सरकार या प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे इसमें किसी तरह की भी मुकदमेबाजी हो, तो किस तरह से लोगों को समझाना है, एक एक माइन्यूट डिटेल का प्रधानमंत्री ने दिल्ली से मॉनिटरिंग की, और उसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ कॉरिडोर बनकर तैयार है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपको खिड़किया घाट पर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वो ललिता घाट पर आएंगे और ललिता घाट से इस भव्य कॉरिडोर के अंदर माँ गंगा जल लेकर यहाँ पर मंदिर के अंदर आएंगे। मीनाक्षी बिल्कुल, देखिए दो तरीके हैं, सनातनी प्रक्रिया ये कहती है कि या तो आप गंगा जल में स्नान करें या फिर गंगा जल से आप आचमन करें और उसके बाद फिर गंगा जल लेकर आप भोलेनाथ का, बाबा का, या जो भी आपको जब भी जलाभिषेक करना होता है उससे पहले की प्रक्रिया यही अपनाई जाती है और यही सनातनी प्रक्रिया कहती है, और जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका निर्वहन करने वाले हैं। पवन नारा हमारे सहयोगी भी इस वक्त काशी में ही मौजूद है, आइए उनकी एक तस्वीर, उनकी एक रिपोर्ट। बनारस के गंगा घाट से आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज दिव्य काशी, भव्य काशी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाबा विश्वनाथ के नए कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आए हैं कार के जरिए गेट नंबर 4 से बाबा विश्वनाथ के द्वार पहुंचे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। जो सामने आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट के पास जो एक कॉरिडोर बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा किनारे नाव पर सवार होकर आएंगे और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोटे में गंगा से जल ग्रहण करेंगे, जो कि एक परिकल्पना थी कि भक्त आए गंगा से गंगा जल ले और सीधा बाबा विश्वनाथ के धाम जाए, वो परिकल्पना आज साकार होने जा रही है। पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उतरेंगे और इस घाट को आप देख रहे हैं जिसे फूलों से सजाया गया है, ये घाट सेकंड फेज में पूरा होना है, लेकिन मंदिर चौक और मंदिर परिसर पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उतरेंगे, यहां से गंगा जल ग्रहण करेंगे और गंगा जल को लेते हुए इस सफेद कॉरिडोर के जरिए ऊपर जाएंगे। आप जो द्वार देख रहे हैं वो यहां मणिकर्णिका घाट पर बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का द्वार है और प्रधानमंत्री इसी के जरिए सीधे बाबा विश्वनाथ तक, द्वार तक जाएंगे जहां उन्हें 20 मिनट पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करने के बाद वो देश भर से आए साधु संतों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन पूजा अर्चना के बाद सबसे पहले इस मंदिर कॉरिडोर में काम करने वाले कर्मियों के साथ, मजदूरों के साथ तस्वीर खिंचाएंगे जिन्होंने कोरोना काल में भी बिना किसी व्यवधान के इस कॉरिडोर पर काम किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।